हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सुपर इजी, सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक, वो भी विदाउट ओवन। ना अंडा, ना ओवन, ना कंडेंस मिल्क बनाएंगे हम इसे घर की ही चीज़ों से। तो बनाते हैं हमारा सुपर सॉफ्ट, सुपर यमी, सुपर टेस्टी एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने लिया है 5 इंच का केक टिन और उस पर मैं ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से इसे ग्रीस करना है चारों तरफ से और उसके ऊपर लगा देना है बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर। इस तरीके से हमारा केक सॉफ्टली निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको अगेन ग्रीस करना है ऑयल से और इसके बाद हमें साइड्स पे भी लगाना है बटर पेपर के स्ट्रिप्स। देखिए, मैंने इस तरीके से काट कर रख लिया था और इसकी एक वजह ये होती है कि जब हमारा केक का डीमोल्ड होता है तो बहुत सॉफ्ट निकलता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो इसलिए हमें ग्रीस करना है। और केक टिन हमारा रेडी है। अब आपको लेना है एक बाउल और इसमें डालना है 1/2 कप वार्म मिल्क, थोड़ा हल्का गुनगुना होना चाहिए, और इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून विनेगर और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करते ही वक्त आपको पता चल जाएगा कि हमारा बटर मिल्क रेडी हो चुका है। अब हमारे बटर मिल्क के इस मिक्सचर में डालना है 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए गाइस। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे 1/2 कप शुगर, ये रॉ शुगर है, मतलब मैंने इसे पाउडर नहीं किया है। बस इसी स्टेज पे आपको इसे अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक कि ये शुगर हमारा इस मिक्सचर में डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। और आप देख सकते हैं, ऑयल शुगर आपको अच्छी तरह मिक्स करना है इसी स्टेज पे। और इसके बाद हम इसमें डालना है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हैं कोई भी एसेंस डाल सकते हो, मैंने यहाँ वेनिला का एसेंस इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। केक के परफेक्ट टेक्सचर के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिल जानी चाहिए और एक लिक्विडी फॉर्म में बन जाना चाहिए और हमारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। अब हमें लेना है ऑल पर्पज़ फ्लावर स्ट्रेनर में और लेना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद आप ऐड कीजिए 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। गाइस, मिल्क पाउडर से आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा और ये बेकरी जैसा का केक जैसा रहता है वैसा बनकर तैयार होता है। तो इस स्टेज पे आपको करना है इसे अच्छे से छान लेना है, जो पार्टिकल्स जो रहेंगे उन्हें भी आपको हाथों की मदद से इसे निकाल देना है। उसके बाद आप इसे मिक्स कीजिए बहुत अच्छे तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। और स्टेज पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा हमें लिक्विड की ज़रूरत, तो हम इसे 1/4 कप मिल्क के साथ बैटर बनाएंगे। अब हमें ऐड करना है मिल्क। मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप ऑफ मिल्क और इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने पूरा मिल्क एक साथ नहीं डाला है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा केक का बैटर का कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको कितना बैटर का कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे बैटर और गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 1/4 कप पूरा ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं मेरा बैटर बन गया है। और मैंने यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से इसे अगेन मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होगी जो साइड्स पे लगे हुए हैं फ्लावर्स वगैरह वो भी मिक्स हो जाएंगे। कर्टन फोल्ड मेथड से आपको इसे मिक्स करना है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, बस हमें इसी तरीके से चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि केक का बैटर तैयार है या नहीं? तो आप देख सकते हैं कि रिबिन बन रही है बैटर की और इस तरीके से मर्ज हो जा रही है जब हम इसे गिरा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा केक का बैटर रेडी है बेक होने के लिए। अब हमें ग्रीस किए हुए केक टिन में ये पूरा बैटर ऐड कर देना है। एक परफेक्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार है हमारा। इसे हमें कर देना है केक टिन में ट्रांसफ़र और इसे कर देना है 2 से 3 मरतबा टैप। टैप करने से जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं फ्रेंड्स, और इसे हमें बेक करना है। बेक करने के लिए मैंने पैन को हीट किया है फॉर 10 मिनट्स और अब मैं इसे रख रही हूँ पैन के अंदर और इसे हमें 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बेक करना है गाइस। और आफ्टर 35 मिनट्स हमारा केक स्पॉन्ज रेडी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको टूथपिक की हेल्प से बता रही हूँ कितना क्लीन निकल रहा है। इसका मतलब है कि आपका बेक हो चुका है परफेक्टली। आपकी सुविधा के लिए मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल भी किया ताकि आपको समझा सकूँ कि अगर आपका केक बैटर परफेक्टली बेक हुआ है तो आप देख सकते हैं नाइफ़ क्लीन निकलेंगी। अब नेक्स्ट हमें
केक को कूल करना है कम्प्लीटली और इसे डीमोल कर लेना है। जो बटर पेपर का इस्तेमाल किया है साइड्स पे, तो उसकी वजह से भी आप देखिए आपको नाइफ़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है डीमोल के लिए। जैसा आपको शेक थोड़ा सा शेक करना है और हमारा केक टिन में से केक स्पॉन्ज बाहर निकल आएगा और आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली बेक हुआ है और कितना प्यारा कलर आया है। गाइस हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है, आप देख सकते हैं कि सुपर सॉफ्ट सुपर फ्लफी एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं सॉफ्टनेस उसकी कि किस तरीके से फ्लफ़ी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, वो भी विदाउट ओवन। परफेक्ट केक की निशानी है कि जब आपका केक का स्पॉन्ज में ये जाली बनती है, दैट मींस कि आपका केक का स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट बना है, फ्लफ़ी बना है। और आप देख सकते हैं जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये किस तरीके से ये ऊपर आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि केक हमारा बहुत अच्छे से मॉइस्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। आई होप आपको एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी समझ में आई हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको रेसिपी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।